Hello students, welcome back to Vedika Commerce classes. Today we are going to study the topic advantages of accounting and limitations of accounting. Then now we start from advantages of accounting. Now first is financial information about business. Advantages of accounting means हम इतनी जो hassle कर रहे हैं, हम इतनी calculations कर रहे हैं continuous basis पे, उनका हमें फ़ायदा क्या होगा. इसको हम normally roles of accounting to business भी बोल देते हैं कि business में accounting का role क्या है, हम क्यों study करते हैं, क्यों prepare कर रहे होते हैं हर चीज़ को. ठीक है, तो first is financial information about business. तो business के बारे में information हम धीरे धीरे gradually from 1st April टू 31st मार्च एक एक ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन हमारे पास रिटर्न में प्रिपेयर हो जाती है विद द हेल्प ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, नेक्स्ट असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, जो इंफॉर्मेशन प्रिपेयर हो गई है अब उसका मैनेजमेंट कुछ तो उसके बेस पे डिसीजंस लेगा ना, वो कुछ तो हेल्प करेगा मैनेजमेंट को. तो फाइनली अकाउंट्स हम जो भी प्रिपेयर करते हैं वो मैनेजमेंट की हेल्प के लिए होता है. नेक्स्ट रिप्लेस मेमोरी. अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हम कितनों को याद रख सकते हैं, पॉसिबल नहीं है हम सबको याद रख पाएँ. तो उसके लिए हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं सब हमारी पेंसिल से रिकॉर्ड हो चुकी हैं, अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड हो चुकी हैं, जो जिस जगह पे होनी है उस जगह पे रिकॉर्ड हो चुकी हैं. तो उनके मिसप्लेस होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं और हर ट्रांजेक्शन को हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, देन कंपैरेटिव स्टडी. अब जब हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स प्रिपेयर हैं, जब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर है, जब हमें ये पता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो हम अपने ही कॉम्पिटिटिव या अपने ही जो भी राइवल कंपनीज हैं हम उनसे कंपेयर कर सकते हैं, या अपना ही जो भी परफॉर्मेंस है पास्ट ईयर्स की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हैं. तो अकाउंटिंग जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाती है कंपेयर करने. नेक्स्ट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज. अब हमारी जितना प्रॉफिट हुआ होगा उतना ही तो हमें टैक्स भी देना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें टैक्स देना पड़ेगा. तो हमारा प्रॉफिट कितना है उसके बेस पे टैक्स कितना जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी कैलकुलेट करने में. जितना प्रॉफिट है उसी के अकॉर्डिंग हमें टैक्स भी देना पड़ेगा. तो टैक्स कितना देना है ये जानने के लिए हमें पहले अपना प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और वो प्रॉफिट किससे निकलेगा, अकाउंटिंग से. देन फैसिलिटेट्स लोन. अब फैसिलिटेट्स लोन मतलब अगर जब हमने अपनी बैलेंस शीट प्रॉपर मेंटेन की गई है, उसके अंदर हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, जब सब चीज़ क्लियरली मेंशन है तो बैंक भी हमें ईजीली उन्हीं के बेस पे हमारे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमें लोन ईजीली प्रोवाइड कर देता है. हमारे पास जितने ज़्यादा एसेट्स होंगे, जितने ज़्यादा हमारे पास लोन फ्री एसेट्स होंगे, हमारा बैंक जो है वो हमें उतने ही एसेट्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सकता है. देन एविडेंस इन कोर्ट. इन केस जैसे हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, इन केस अगर हमें किसी लीगल प्रोसीजर्स के लिए रिक्वायर्ड होता है तो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग को एज अ प्रूफ कोर्ट में यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस. फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस मीन्स इन केस मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा है, इन केस मुझे किसी और बिजनेस में जाना है, इस बिजनेस को यहीं पे क्विट करना है, तो मेरा बिजनेस की वैल्यू कितनी है, मेरे एसेट्स कितने हैं, मेरी लाइबिलिटीज़ कितनी है, उसके बेस पे अब हम अपने जो भी बिजनेस है उसकी वेल्थ कैलकुलेट करते हैं, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. और वो कब होगा, जब हमारे पास एसेट्स लाइबिलिटीज सबकी वैल्यू हमारे पास होंगी. ठीक है, तो उसके बेस पे हम अपने बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग सेल प्राइस करो डिसाइड कर पाएंगे. देन असिस्टेंस इन इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी कौन सी कंडीशन होती है, इंसॉल्वेंसी इज स्टेट ऑफ लॉस, सीवियर लॉस. जब कोई कंपनी अपने जो भी लाइबिलिटीज हैं, जो डेट्स हैं, उनको पे करने की कैपेसिटी नहीं रखती है, फेलियर हो जाती है, उस टाइम पे वो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है. इट मीन्स इट वो कोर्ट जाके ये सरेंडर कर देती है कि मेरी ये लाइबिलिटीज़ हैं और मैं इन लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने की कंडीशन में नहीं हूँ. दैट इज़ द स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंसी. तो उस केस में जब हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर हैं, हमारे प्रॉफिट कितना है, हमारा लॉस प्रॉफिट तो ऑफकोर्स नहीं रहा होगा जब इंसॉल्वेंसी की कंडीशन आ गई है, तो हमारे पास एसेट्स कितने अवेलेबल हैं, उन एसेट्स से हम कितने लोगों का डेट, कितने लोगों का लोन चुका सकते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी अकाउंट से ही कैलकुलेट होती हैं. तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए ज़रूरी होता है कि उस कंपनी ने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हों. नेक्स्ट इज़ हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट.
अ पार्टनरशिप अकाउंट. पार्टनरशिप अकाउंट ऑफ कोर्स दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स ओनर उस फर्म के रहे होंगे, तभी तो पार्टनरशिप हुई है. नाउ अब प्रॉफिट कितना हुआ है, कितने लोगों ने, उन पार्टनर्स ने किस रेशो में कैपिटल इन्वेस्ट किया था, उनकी क्या टर्म्स कंडीशंस थी, ये सारी चीज़ें कहाँ डिसाइड होंगी, ये सारी चीज़ें हमारी अकाउंट्स के बेस पे ही कैलकुलेट भी होंगी और उनमें आपस में डिवाइड भी होंगी. ठीक है. देन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग इज समहाउ असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. अब हमें प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को इंक्रीज कैसे करना है, लॉस हो रहा है तो इस लॉस को डिक्रीज कैसे करना है, कौन से प्रोडक्शन साइकिल को हमें इंक्रीज करना है, किसको नहीं करना है, किस वजह से हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं, वगैरह वगैरह. ये सारे डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो हमारे एडवांटेज हमारे अकाउंट्स के बेस पे ही लिए जाते हैं. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग नॉर्मली. अब यही तो रोल हमारे बिजनेस के लिए ही है ना. ये एडवांटेजेस किसके लिए हैं, ऑफ कोर्स बिजनेस के लिए. तो इनको हम रोल्स ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस भी कह सकते हैं. समझ आया. नाउ नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. अब लिमिटेशंस इज व्हाट अकाउंटिंग. हम तो अभी तक सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट पढ़ते जा रहे हैं, हम तो सिर्फ बेनिफिट्स पढ़ते जा रहे हैं अकाउंटिंग के. ये अकाउंटिंग के फ़ायदे होते हैं, अकाउंटिंग के ये फ़ायदे होते हैं, वो फ़ायदे होते हैं, इतने टाइप की होती है, ऐसे हमारे बिजनेस के लिए यूज़ होती है, फाइन. लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं. ऑफ कोर्स कुछ लिमिटेशंस भी हैं. देख फर्स्ट इज नॉट फुली एग्जैक्ट. नॉट फुली एग्जैक्ट मीन्स हमारी जो अकाउंटिंग है वो फुली एग्जैक्ट नहीं है. जितनी वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो वैल्यू हमारी एग्जैक्ट होंगी ये ज़रूरी नहीं है. हो सकता है हमारी जो वैल्यू है वो मैन्युपुलेट हुई हो सकता है जो बनाने वाला है उसका अपना, जो अकाउंटेंट है जो प्रिपेयर कर रहे हैं अकाउंट्स को, उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व हो, उन्होंने वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करके लिख दिया हो. ठीक है. तो उसकी वजह से हमारी जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली नहीं आती है. ठीक है. पॉइंट्स में भी वेरिएशन अगर आता है, अगर हमारा सपोज इंटरेस्ट रेट है और करोड़ों का लोन है, उसमें अगर पॉइंट्स का भी है, पॉइंट 10 भी है, तो लाखों रुपए का डिफरेंस आ जाता है उस पॉइंट की वजह से. तो इसलिए हम अकाउंट्स को फुली एग्जैक्ट नहीं कह सकते. नेक्स्ट अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन. अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन मीन्स हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो अनरियलिस्टिक होती है, अनरियल होती है. जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि अकाउंटेंट का पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, कंपनी का खुद पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है अकाउंट्स को मैनिपुलेट कराने के लिए, तो वो डिपेंड करता है. ज़्यादातर हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे अनरियलिस्टिक बोला जाता है. नेक्स्ट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स. क्वालिटेटिव एलिमेंट्स मीन्स सपोज हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर थे, कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन, वो एम्प्लॉयज़ को इतना मोटिवेट करके रखते थे, एम्प्लॉयज़ उनके गाइडेंस में उनके अंडर इतना अच्छा प्रोडक्शन करते थे, इतने मीन्स फुली यूटिलाइज वो ह्यूमन रिसोर्स को करते थे और ह्यूमन जो भी लोग वहाँ पे जॉब कर रहे थे एम्प्लॉयज़ बहुत खुश होते थे और वो अपना बेस्ट देते थे. अब एम्प्लॉयज़ अपना अगर बेस्ट देंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सेल ज़्यादा होगी, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को होगा, फाइन. नाउ एट सडन वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं, देन दूसरा कोई मैनेजर आता है, वो एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर उस वे में नहीं ट्रीट कर पाता है जैसे वो कर पुराना वाले मैनेजर करते थे. नाउ उस केस में अब एम्प्लॉयज़ का जो मुराल है वो डाउन हो गया, वो नहीं उतना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं. तो एक क्वालिटेटिव मेज़र था मोटिवेशन जो पहले वाला मैनेजर एम्प्लॉयज़ को देता था. नाउ अब अकाउंट्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मोनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. पहले मेरा कितनी सेल होती थी, पहले मेरा प्रॉफिट कितना होता था, आज की डेट में मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, एम्प्लॉय खुश हैं नहीं है, मोटिवेशन फैक्टर जो एक वर्क कर रहा था वो है या नहीं है, क्वालिटी मैटर ही नहीं करती. अकाउंट्स की सबसे बड़ी लिमिटेशन है इट रिकॉर्ड्स ओनली मोनिटरी ट्रांजेक्शन. सिर्फ मोनिटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है, इन नंबर्स ओनली, इन मोनिटरी नंबर्स ओनली. ठीक है. तो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, क्वालिटेटिव फैक्ट्स को ये इग्नोर करता है, प्योरली इग्नोर करता है, जबकि वो मैटर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. नेक्स्ट इज इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस. अब प्राइस लेवल चेंजेस ये टॉपिक आप बीकॉम में बीबीए में पढ़ोगे, अभी ट्वेल्थ में ऐसा नहीं है, लेकिन
प्राइस लेवल चेंजेस मीन्स इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की वजह से आपके पास जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, उनकी वैल्यू में कमी आ रही है या उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो वो आपका प्राइस लेवल चेंजेस होता है। तो हम तो अपना हिस्टोरिकल कॉस्ट वाले प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं अकाउंट्स के अंदर, तो उसमें हमने जितने में ख़रीदा है हम उतने में ही रिकॉर्ड करते जाएंगे। अगर हमने 10 साल पहले कोई ज़मीन 10 लाख रुपए की ख़रीदी थी और आज वो 1 करोड़ रुपए की हो गई है, तो हमारी कॉस्ट तो 10 लाख ही थी ना। तो 10 साल में या इतने साल पहले हमने ख़रीदी थी और आज तक उसकी वैल्यू में जो चेंज आया है, इन्फ्लेशन की वजह से चेंज आया है, उसको ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करता। नेक्स्ट इज लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। और विंडो ड्रेसिंग मतलब जहाँ जैसा आपको शो करना है आप अपने अकाउंट्स को वैसे शो कर देते। इट मीन्स अगर मुझे कहीं पे शो करना है कि मुझे प्रॉफिट कम हुआ है, तो आप अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर देते हो और अपना प्रॉफिट कम शो करते हो, जिससे कि आपको कम टैक्स देना पड़े, जिससे कि आपको सारा पैसा शेयर होल्डर्स में ना डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े। तो इस तरह की जगहों पे आप अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके अपना प्रॉफिट कम शो कर देते हो, एक्सपेंसेस ज़्यादा शो कर देते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको कहीं पे कोई प्रोजेक्ट लेना है जिसमें कंडीशन है कि एटलीस्ट आपका टर्नओवर इतना होना चाहिए, उस केस में आप क्या करते हो, आप अपना एक्सपेंसेस कम दिखा देते हो और अपना प्रॉफिट ज़्यादा दिखा देते हो, अपनी इनकम ज़्यादा दिखा देते हो। तो उस केस में मीन्स दोनों ही अगेन रियल तो नहीं रहे ना, हम अनरियलिस्टिक की बात कर रहे हैं, तो रियल तो नहीं रहा ना हमारा अकाउंट। तो दोनों ही कंडीशन में हमारा जो अकाउंट है वो अनरियलिस्टिक हो। तो जहाँ हमें जैसे शो करना है अपने अकाउंट को, हम वैसे ही उसको प्रिपेयर करते हैं। तो नॉर्मली ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, एक शो करने वाला और एक एक्चुअल। तो एक्चुअल अपने मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और जो शो करना है इंक्रीज करके या डिक्रीज करके मैनिपुलेट करके, वो नॉर्मली शो किया जाता है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को कुछ समझ आया होगा। सो वी विल मीट इन आर नेक्स्ट वीडियो देन। बाय।